बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे आप लोगों के हमारी वीडियोस पे, दैट तेजस भैया कैट्स लेकर आओ। अब ये चैनल की हिस्ट्री में पहली बार आज एक डॉग पर्सन एक ऐसे घर में बैठे दैट इज ऑल अबाउट कैट्स। और आज साथ में मेरे सृष्टि दीदी हैं, हम पटियाला में हैं फिलहाल, एंड सृष्टि जी की बहुत देर से ब्रीडिंग है कैट्स की और डॉग्स की भी है। डॉग्स की बात हम अगली किसी वीडियो में करेंगे, पर आज ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो बहुत देर से कैट्स की प्लानिंग कर रहे थे और मेरे को कमेंट कर करके कह रहे थे भैया कैट्स की वीडियोस लेकर आओ। एक हमारे लेजेंड भैया हैं, हर एक वीडियो पे मेरे कमेंट, और लास्ट कमेंट उन्होंने ऐसा किया था तेजस भैया मेरी पेशेंस लूज हो रही है, आप कैट की वीडियो नहीं ला रहे। मैं कहा भैया ले आते हैं। तो आज ये वीडियो स्पेशली उन्हीं सारे कैट लवर्स के लिए। तो सबसे पहले दीदी वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। आप अब हमें थोड़ा थोड़ा करके, हमारे बहुत क्वेश्चन है। देखो मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों को, जितने लोगों को कैट्स का नहीं पता इंक्लूडिंग मी, तो आज मैं आपसे हो सकता है कुछ स्टूपिड क्वेश्चंस भी पूछूं, बट इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम अ माइंड ऑफ अ डॉग लवर। बहुत जरूरी है। ताकि मतलब अगर मैंने आज से पहले कभी कैट नहीं रखी तो मेरे क्या बेसिक क्वेश्चन होंगे वो आज हम दीदी से जरूर क्लैरिफाई करने हैं। तो वीडियो को एंटर देखना। चलो दीदी आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कितनी देर हो गई ब्रीडिंग करते हुए कैट्स की? 6 years हो गए। 6 years टिल डेट। और क्या एक्सपर्टाइज रही है आपकी? मेरी पर्शियन की और रैगडॉल की। पर्शियन इन रैगडॉल। अब जितने लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा थोड़ा आपके लिए ब्रेक करता रहूंगा। पर्शियन इज अ ब्रीड ऑफ कैट। कैट मतलब पूरा जॉनर हो गया, जैसे डॉग कैट। अब जैसे डॉग्स में अलग अलग ब्रीड होते हैं, साइबेरियन की, गोल्डन रिट्रीवर, फ्रेंच बुलडॉग, ऐसे अलग, वैसे ही यहाँ पे भी पर्शियन एंड रैगडॉल दीदी की एक्सपर्टीज रही। और भी कौन सी फेमस ब्रीड्स होती हैं इसमें? बहुत सारी जैसे सैमन, हिमालयन है, ओके, और बहुत ज्यादा। तो आपने कॉमन चलती हैं तो लोग जो हैं वो पर्शियन ज्यादा प्रेफर करते हैं, राइट? बिकॉज़ इसके अलावा लोगों को नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। हां जी, रैगडॉल से मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और आई वाज इन लव विद देम, राइट? बहुत सुंदर और बहुत प्यारी ब्रीड है। मतलब इनकी फर क्वालिटी, इनका बिहेवियर, इनकी इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज सुपर क्यूट, राइट? ओके, मतलब ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। इंटेलिजेंस देख लो डॉग्स में, जर्मन शेफर्ड्स, लैब्राडोर रिट्रीवर्स इंटेलिजेंस के मामले में ऊपर आते हैं, वैसे ही कैट्स में भी होता है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो मैंने आपकी बात से क्रैक कर ली है। मैं आपके लिए साथ साथ बीच बीच में क्रैक करता रहूं। सेकंडली जो ये ब्रीड है ये इंडियन नहीं है। ओह अच्छा, ये इम्पोर्ट ब्रीड है। ओके, जो ये बच्चे हैं ये इम्पोर्ट पेरेंट्स से हुए हुए बच्चे हैं। ओके, इंडिया के अंदर इस टाइम इनकी जो ब्रीडिंग है वो बहुत लो लेवल पे है, बहुत रेयरली मिलती है। इवन मेरे को मेल मिल गया था, फीमेल के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ओह अच्छा, ऐसा है। हाँ जी, राइट। तो आप इनब्रीडिंग कर नहीं सकते, ऑफ कोर्स, तो आपको डिफरेंट लाइन ढूंढने के लिए डिफरेंट ब्रीडर ढूंढना पड़ता है और दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, बहुत एक या दो ही कोई है जो बट नाउ यू आर वन ऑफ देम। अब कोई टेंशन ना ले, अब तो आपके पास डिफरेंट लाइंस हैं अभी। हाँ जी, फिलहाल मतलब जैसे हमें रैगडॉल की फीमेल भी और मेल भी आपसे लेनी हो तो डिफरेंट लाइन की मिल जाएगी। ओके, सो गाइस ये रैग उठा लो, काटेंगे ठीक। ये रैगडॉल है एंड शी इज अ फीमेल। ये एक फीमेल है एंड इसका नाम है वेलवेट। ये ब्यूटीफुल एक्चुअली फील भी हो रहा है वेलवेट जैसा। मेरे को बीइंग अ डॉग लवर एंड स्टार्टिंग से मैंने डॉग्स ही रखे हैं, सबसे मेन डिफरेंस तो लग रहा है वेट का, एंड सेकेंड डिफरेंस मेरे को लग रहा है इनका सॉफ्टनेस ऑफ फर का। ऐसे ही है, डेफिनेटली वेरी सॉफ्ट। उठा लूं ऐसे जैसे हम डॉग्स को दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यार ये देखो कितनी सुंदर है। आप इनका बोन साइज देखिए, इनका नोज, इनकी आईज, इनकी एक्टिविटीज, दे आर ऑल वेरी प्रीटी। अच्छा ये वैसे ही इतनी डोसाइल ही होती है कि हमारे आने पे यहां ऐसा सारे बैठे डोसाइल एकदम शांत, वेरी फ्रेंडली। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चॉइस है कैट्स की, जो लोग अपने छोटे कंपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन एक पेट चाहते हैं। डॉग वो रख नहीं सकते क्योंकि वॉकिंग में इशू आती है या डॉग घर में शरारत करते हैं, तो कैट्स का तो कोई इशू है ही नहीं। कोई इशू नहीं है, मतलब लेके भूल जाओ, लेके भूल जाओ, बस खाना वाना देते रहो। एंड आपने मेरे को बताया था दैट ही लिटर बॉक्स ट्रेंड होती है, दैट ये जैसे डॉग्स का होता है हर जगह कहीं पे भी सुसु पॉटी ऐसे करते हैं, कैट्स को जो कैट ओनर्स हैं वो लिटर बॉक्स ट्रेन करते हैं। आप कभी अमेजोन पे भी सर्च करना लिटर बॉक्सेस आते हैं, यानी कि उनके एक्सक्रीट करने के लिए सेपरेट बॉक्सेस होते हैं, वो कैट्स वहीं पे जाके ही सुसु पॉटी वहीं पे करते हैं। सो ये परफेक्टली एक चीज ऐसी है जैसे कई लोग मेरे को कॉल करते हैं, आपको भी कॉल करते होंगे दैट भैया घर पे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, डॉग नहीं रख सकते हैं हम, डॉग यार हैवी बल्कि, उनको बाहर घुमाने के लिए यू नीड स्ट्रेंथ, आपको मोटिवेशन तो चाहिए ही है कि हर रोज उठ के बाहर जाना है। घर के अंदर भी टेंशन रहती है कि स्क्रैच ना कर दे बच्चे को, आपको चोट लग जाए, कैट्स में कोई इशू नहीं है। कैट्स में कोई इशू नहीं, कैट तो बहुत अच्छे, बट सॉरी आई एम अ डॉग पर्सन, आई विल ऑलवेज बी अ डॉग पर्सन, बट वेरी ब्यूटीफुल। ये रैग डॉल्स हैं एंड इसके फिलहाल हमारे पास बच्चे हैं। एक बार आपको इन्हीं के, ये मदर है वेलवेट एंड ये फादर का नाम ऑगी है, ये इसी लिटर का फादर है।
अब आपको बच्चे दिखाते हैं कि रैग डॉल के बच्चे किस प्रकार के देखते हैं। अच्छा, एंड में मैं आपको ये बता रहा हूँ दैट इन दी एंड हम लोग Q&A करने वाले हैं लाइक फ्रॉम अ डॉग पेरेंट कह लो या डॉग ब्रीडर कह लो, एक कैट ब्रीडर से क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और आप लोगों के क्या डाउट्स क्लियर होंगे वो हम उसकी चर्चा एंड में करेंगे। बाय द वे ये आप देख लो। जिस ब्रीड के बारे में सुना है पर्शियन रैगडॉल मैंने पहली बार देखी थी बट हाँ आई एम मच फेमिलियर विद दिस ब्रीड। मेरे को इस ब्रीड के बारे में बताओ थोड़ा सा। ये पर्शियन कैट्स हैं, ट्रिपल कोट है जैसे हस्की ट्रिपल कोट है, राइट। इनकी जो आईज है वो ग्रे रहती है, ग्रे ब्लू और येलो जो कॉमन चलती हैं। ये कौन सी है? ये अपनी है येलो आईज। ओह वाओ, ओके। हां जी, ये येलो आईज है और ये मदर है, ये ब्लू आईज है। ओके, ब्यूटीफुल। मतलब इसकी क्या एज हो गई अभी? ये 2 ईयर। और नहीं, इनकी क्या एज है फिलहाल अभी बच्चों की? ये 2 मंथ्स। 2 मंथ्स सारे। और इनमें मेल फीमेल? इनमें 3 मेल है 1 फीमेल। 3 मेल हैं और 1 फीमेल है। अगर हम बात करें प्राइस रेंज की तो कॉस्टलियर कौन सी है, रैगडॉल या पर्शियन? रैगडॉल का कॉस्टली बिकॉज रैगडॉल आपके कहने के इंपोर्ट में आ जाती है और ये इंडिया में मिल जाती है, ब्रीडिंग बॉर्ड है, ठीक है, और ये मिल जाते हैं मतलब। बट यार मेरे को तो लग रहा है व्हाइट कलर की कैट, प्योर व्हाइट कलर की कैट एंड दैट टू विद येलो और ब्लू आईज, मेरे को तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होगी बिकॉज वहाँ कई लवर्स होते हैं व्हाइट कैट के, वहाँ पर हस्की के भी कॉल आते हैं भैया व्हाइट ही चाहिए, प्योर व्हाइट ही चाहिए। तो अगर आपको प्योर व्हाइट चाहिए तो आई वुड से दैट गो फॉर अ पर्शियन कैट, और अगर आप लोगों को ब्राउनिश ग्रेइश टिंट में बच्चे चाहिए तो गो फॉर अ रैगडॉल। बट हाँ, रैगडॉल के मेरे को लगता है अपने ही फैन अलग होंगे जो कहते हैं कि हमें रैगडॉल ही चाहिए, कलर डज नॉट मैटर, बट ठीक है। चलो, अब तो ये सारे बच्चे हो गए जो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल पटियाला पंजाब में अवेलेबल है। अगर हमारे व्यूअर्स यहाँ पर आके लेना चाहते हैं तो इट इज अवेलेबल, मतलब यहाँ पर आके देख के अपने लिए चूज कर, यार इनको कुछ होता नहीं गिर जाए तो, हमारे तो रिफ्लेक्सेस ऐसे है कि डॉग नीचे गिरता है तो फटाफट हाथ आके रखते थे। बिल्लियां आर वेरी, मैं कहना चाहूंगा वेरी फ्लेक्सिबल एंड इन लोगों को ज्यादा हाइट से गिर के कूदते पाते में कोई टेंशन नहीं होती। कैट्स आर वेरी फ्रेजाइल मैं कहना चाहूंगा बट येट दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो दीदी, मेन डिफरेंसेस डॉग्स और कैट्स में सबसे पहले मैं पूछूंगा इनके फूड हैबिट्स के बारे में। जैसे डॉग्स की फीड है वैसे ही कैट्स की फीड होती है, आप इनको कर दे सकते हो, आप इनको दूध नहीं दे सकते। दूध नहीं देते? नहीं, इनको दूध नहीं दे सकते। मतलब सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, कहीं पे हमारे यहाँ इंडिया में बिल्ली रेस्क्यू होती है तो सबसे पहले उसे दूध दिया जाता है, इट इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं? डेफिनेटली। अच्छा, इनको नहीं दिया जाता? ये इंडियन ब्रीड नहीं है, पर्शियन भी इंडियन नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहे हैं, हो रही है, अडैप्ट कर रही है, इवॉल्व कर रही है, इसीलिए अभी इनको दूध नहीं दिया जा सकता। बाकी इनकी फीड होती है, बाकी रोटी चावल खाते हैं? नहीं, रोटी चावल नहीं खाते, सिर्फ फीड। हाँ जी, थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स खा लेते हैं, वो इनकी टेस्ट के अकॉर्डिंग है। कुछ ऐसा जो हमें इनको बिल्कुल भी नहीं देना है? दूध, दूध बिल्कुल भी नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। आप इनको नॉनवेज दे सकते हो, आप इनको फीड दे सकते हो, ठीक है, आप इनको दही या पनीर दे सकते हो। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा बीमारी, कैट्स में बीमारी कितनी ज्यादा होती है? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम इन कंपैरिजन टू डॉग्स। हाँ जी, ठीक है, बहुत जल्दी बीमार नहीं होती। अब हमें 5-6 साल हो गए हैं, हार्डली हम कभी डॉक्टर के पास नहीं विजिट किए। अच्छा, ओके। नॉर्मल डिलीवरीज इनकी घरों में होती है, इनको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होती, आप प्रॉपर वैक्सीन साल में एक बार करवाओ, ठीक है, ऑल सेट। कैट्स में मतलब लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जितने लोग थोड़े मतलब लाइक जिनको कम अटेंशन देना है अपने पेट्स को एंड दे वांट अ वेरी हेल्दी एंड यू नो अ पेट टू नॉट लुक आउट फॉर, कैट्स इज अ गुड ऑप्शन मेरे ख्याल से। देखो, डॉग्स की जो बातें अच्छी हैं वो तो अच्छी हैं, मैंने एक चीज देखा है ना, कैट्स बहुत इमोशनलेस होती हैं, ऐसा है, मतलब इनको बिल्कुल लेना देना नहीं है कि कोई हमारा ह्यूमन आया है घर नहीं। या वो गया है, कोई वेलकमिंग नहीं है, अनलेस आप इनको फीड दे रहे हो, दैट एंड दे आर वेरी एक्साइटेड, या हमें में फीड मिल रही है, फिर ये सारे के सारे टेम ऊपर करके लाइन बना के जाते हैं। तो देखो डॉग्स का क्या है, हम मैं घर से बाहर 5 मिनट के काम के लिए भी जाऊंगा ना तो मेरा वेलकम ऐसे होता है दैट में पता नहीं कितने जन्मों बाद आया होता है। आप हर एक डॉग लवर, हर एक जो भी डॉग रखते हैं घर में ऐसे ही होता है, दे विल कम टू यू व्हेन दे फील द नीड। अच्छा, वैसे नहीं, अदरवाइज अपना अपना काम करो, बस हमें कोई लेना
हम डॉग्स रखते हैं तो हमें मॉर्निंग इवनिंग उनको वॉक कराना पड़ता है, उनकी एनर्जी को डिप्लीट करना पड़ता है, तो कैट्स में भी ऐसा होता है? लिटरली कोई भगाने कुदाने की जरूरत नहीं, मतलब ये तो मेरे को उल्टा घर जाके बाहर जाके भाग जाएंगी, ऐसा भी होता है? भाग सकती है, घर से भाग जाती है। हाँ, आप इनको छोड़ नहीं सकते ना, आप इनको के अंदर ही घर अंदर ही रहो, अगर रिस्ट्रिक्ट करके रखो, इनको कोई वॉकिंग की जरूरत नहीं है, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपके लिए पुट कर रहा हूँ, सो हो सकता है शायद आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस हो, एंड डेफिनेटली हम लोग दीदी के साथ एक पार्ट टू भी शूट करने वाले हैं कैट्स के बारे में, तो अगर आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, जो अगली बार मैं आपको लिए शूट जरूर करूंगा क्वेश्चंस। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एनीथिंग वॉट एवर, तो हम आप कमेंट्स में भी यहाँ पे लिख सकते हो, बाकी हम अपना नंबर भी दे रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली। सो दिस इज इट, बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर सच अमेजिंग स्पेसिमेंस, ये मेरी पहली वीडियो है कैट्स की, एंड कसम से अगर किसी और को बुलाया था तो मैं शायद ही जाता, कि मतलब यार नहीं कैट्स, एक्चुअली मेरा सिलेबस नहीं है, इट्स लाइक वेरी इजी फॉर मी टू से कि जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज नहीं है वो मैं दे नहीं सकता, एंड बनता भी यही है। पर्टिकुलरली कैट्स के बारे में कुछ पूछना है, यहाँ पे कोई नॉलेज है या इन्हीं बच्चों के बारे में आपने बात करनी है?